गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अब आ चुके हैं हम तिरुपति में, तिरुपति मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे साथ बहुत कुछ घटने वाला है, आपको अगले बाद में आपको बताएंगे हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी कैसे क्या शक्ल में चेंज आने वाला है, हमारा पूरा उड़े बदल जाएगा सारों का, आपको फिर बताएंगे। निकलो ही ऐसा, ये देख लीजिए इन लोगों का, इन शुभम साहू जी, इनका हुलिया चेंज हो जाएगा पूरा, देखना आप, आपको बताएंगे हम आपको। इनका भी देखिए, आपको दिखाते हैं आगे का सीन कैसा क्या देता है, देखते रहिए हमारे ब्लॉग। हाय गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग, कैसे हैं आप लोग। मैं कल का ब्लॉग नहीं बना पाया, डाल नहीं सका, उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि हमारा फोन जब्त हो गया था तिरुपति में, वहाँ पे हमको 24 आवर्स लग गए दर्शन करके कंप्लीट करके आने में, इसलिए तो और नहीं डल पाया ब्लॉग, बन भी नहीं पाया। और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, आपने नाम सुना होगा, ये श्री सेलम में स्थित है, इसको दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यहाँ पर प्रभु श्री गणेश जी ने भगवान शिव की परिक्रमा की थी, इसलिए आपको यहाँ पर ले आए हैं हम। ये देख लीजिए, दिस इज श्री सेलम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, इसको कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये भी एक है। तो और देखते रहिए आगे हमारा ब्लॉग। वाह, ये गजल सुना रहा हूँ जो खुद में पहली बार सुन रहा हूँ। वाह, तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, मेरी आखिरी मोहब्बत हो। गाइस आप जैसा कि जानते हैं कि फोन अभी कहीं भी नहीं ले जाने दे रहे हैं, इसलिए आपको ये मल्लिकार्जुन के भी दर्शन नहीं करा पाए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ये देख लीजिए दूर से ही आप, ये मल्लिकार्जुन का गेट है, सामने ही वो सामने मंदिर आपको दिखाया जाएगा, पीछे की तरफ मंदिर है, उधर से भी बाहर निकल गया है। सामने ही महादेव की एक जरा सी बड़ी मूर्ति, मतलब साइज भी बहुत छोटी है, अभी सब दर्शन करके आए हैं भाई लोग, अभी दर्शन करके यहाँ पे आ ही रहे हैं, उसके बाद आगे तैयारी करेंगे, कहाँ जाना है कैसा क्या होता है आपको आगे बताएंगे। और ये मल्लिकार्जुन देखते रहिए हमारे ब्लॉग।